दोस्तों, धरती को सबसे बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, जिसने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जो कभी हमें असंभव लगती थी। और आज ऐसी सभी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है जो हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है टाइम ट्रेवल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइम ट्रेवल की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें फ्यूचर में भी ले जा सकती है और साथ ही हमें हमारे पास्ट में भी ले जा सकती है। जब कभी हम किसी समय यात्रक साइंस फिक्शन मूवी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा उलझन भरा सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। और जब हम किसी से टाइम ट्रेवल के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या ये लोग इस बात को जानते हैं कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं नकार पाया है। आइए दोस्तों जानते हैं आज इसी टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं रहस्यमय संसार टाइम ट्रेवलिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी रहस्यमय टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सुनकर हमारे मन में लाखों सवाल पैदा होने लगते हैं। टाइम ट्रेवल का सबसे पहला जिक्र 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की बुक द टाइम मशीन में पाया गया था। इस बुक ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। उस समय सभी लोग इस बुक को पढ़कर घोर अचंभे में थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी टाइम ट्रेवल के बारे में नहीं सुना था। पहली बार इसमें टाइम ट्रेवल की कल्पना की गई थी। यह बुक उस समय बहुत चर्चा में रही। टाइम ट्रेवल पर विश्व के अनेक साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। इसके बाद टाइम ट्रेवल पर कुछ और बुक्स भी प्रकाशित हुई। आपको बता दूं दोस्तों, यह कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था। उस समय कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च भी किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जॉर्ज स्टीफन हॉकिंस का है। स्टीफन हॉकिंस, उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस जन्म से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें वे चल फिर नहीं सकते थे और न ही साफ साफ बोल सकते थे। उस समय के सभी डॉक्टरों ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। और डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंस के माता पिता को बोल दिया था कि यह बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंस एक बड़े होनहार बालक थे, उनका दिमाग बहुत तेज था, उन्हें विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने का निश्चय किया जिससे कि भविष्य में जाया जा सके और साथ ही अतीत में भी जाया जा सके। स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रेवल के ऊपर बहुत अधिक रिसर्च किया और उनका मानना था कि टाइम ट्रेवल संभव है। स्टीफन हॉकिंस ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा है। स्टीफन हॉकिंस, इन्होंने अपनी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजार दी। वह न तो हिल डुल सकते थे और न ही बोल सकते थे, लेकिन फिर भी एक कमाल के साइंटिस्ट थे। ब्रह्मांड के विभिन्न रहस्यों में से समय यात्रा भी एक ऐसा ही विषय है जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समय को चौथा आयाम बताया और कहा कि समय की गति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वर्तमान में भी समय यात्रा कर रहे हैं। हम लगातार भूतकाल से निकलकर भविष्य में जा रहे हैं। उस समय जब सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अनोखा सिद्धांत दिया जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के नाम से जानते हैं और जिसके द्वारा टाइम ट्रेवलिंग करके हम अपने पास्ट से फ्यूचर में जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझना मुमकिन नहीं है। इस सिद्धांत के आने से पहले सब यही मानते थे कि समय सबके लिए समान है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी कोने पर हों, दोनों के लिए समय एक सा होगा। लेकिन रिलेटिविटी की इस अवधारणा को समझने के लिए अक्सर जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक प्रकाश से कुछ कम ही गति वाले रॉकेट पर सवार हो और अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर लौट आता है। उसके हाथ में बंधी घड़ी के मुताबिक उसे चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे। लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे इस सफर में चंद मिनट लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए क्योंकि वहाँ समय अपनी गति से चल रहा था। अलग अलग व्यक्ति का समय अलग अलग होने की वजह से इस ट्विन पैराडॉक्स का समय का गति पर निर्भर होने की अवधारणा का प्रमाण मिलता है। जोसेफ सी होसले और रिचर्ड ई कोटिंग ने सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित था, जिसे हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। उन्होंने दो परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके धरती के दो चक्कर लगाए जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने एक परमाणु घड़ी को धरती पर ही छोड़ दिया और दूसरी घड़ी को अपने साथ लेकर चक्कर लगाया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा दोनों घड़ियों में समय अलग था। जो घड़ी उन्होंने धरती पर अपनी लैब में छोड़ी थी वो सबसे धीमी थी, क्योंकि वो घड़ी
धरती पर स्थिर थी, जबकि दूसरी घड़ी स्पेस में तेजी से ट्रेवल कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से ये भरोसा मिला कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो समय में आगे जा सकते हैं और भविष्य को भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लाइट की स्पीड यानी 3,00,000 किलोमीटर सेकंड से चलना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, समय उतना ही धीरे चलता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। सन 2010 में US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने सेल्फ पर दो परमाणु घड़ियों को रखा, जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। सेकंड की दर में अंतर मापा गया और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमा हो गई थी, क्योंकि यह घड़ी थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल महसूस कर रही थी। टाइम ट्रेवल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो घटना समय बीत चुका है, उसका दृश्य और ध्वनि ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे और पीछे कर सकते हैं, उसी तरह हम समय में भी आगे और पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता है तो पार्टिकल बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल की मदद से भविष्य में होने वाली घटना को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सभी कार्यों की एक सीरीज होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में जाकर उसमें बदलाव संभव है, परंतु जो बीत गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अभी हमारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर और अधिक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। भविष्य में संभव है कि हमारे साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल को पूरी तरह से एक्सपोज करने में कामयाब हों। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करें।